नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। दिस इज मोर लाइक अ सीक्वल टू माय पिछला वाला वीडियो जो मैंने सैमसंग की QNX1D के ऊपर बनाया हुआ था। मैंने आपको उस वीडियो में इस टीवी के बारे में जितना सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है वो दिया है। तो आज मैं इस टीवी को, सैमसंग की QNX1D जो एक मिनी LED क्यूलेट टीवी है, को कंपेयर करने वाला हूँ With LG की QNED 90T, which is also a mini LED QLED. वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, दिस इज नॉट द वीडियो। प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो और कोई और वीडियो देख लीजिएगा, अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों। दूसरा डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस आप स्क्रीन पे देखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट्स में आपको शायद इससे अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि जो रेट मैंने दिखाया हुआ है वही रेट पे ये मिलेगा। बेटर भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है। दो डिस्क्लेमर मार दिया, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं, और मैं फीचर बाय फीचर नहीं जाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू से राइट बिफोर आई जंप इनटू ऑल दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये LG की QNED 90T है। प्लीज नोट, टी फॉर टोमाटो। मैं क्यों बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इज बिकॉज LG का QNED 90 भी अवेलेबल है मार्केट में। जी हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान से सुनिए। QNED 90 जो है वो उनका ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पुराना वाला मॉडल है। एक्चुअली में ओरिजिनली में आई थिंक 2021 में निकला हुआ था, तो काफी टाइम हो गया है। ये जो QNED 90T है, T यानी 2024 वाला मॉडल है, और आपको इसकी जो छवि है यानी पिक्चर उसमें भी 2024 क्लियरली दिखा होगा। आपको टी पे याद रखना है फोकस करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन शोरूम्स में चले गए ना LG के, तो वो शायद आपको LG QNED 90 भी चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेल द सेल्स पर्सन दैट आई डोंट वांट QNED 90, आई वांट QNED 90T। ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी को लेकर के। काफी बराबरी की टक्कर है यार। दोनों ही टीवीज में 4 HDMI पोर्ट्स हैं, eARC का सपोर्ट है, दो दो USB पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 के ऊपर वाला है। हाँ, Samsung QNX1D में 5.2 है, LG QNED 90T में 5.1 है, बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेक माई वर्ड फॉर इट। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। अब यहां पे Samsung की QNX1D में एक ब्रांड न्यू NQ4 AI Gen 2 प्रोसेसर है, और QNED 90T में भी उनकी ब्रांड न्यू A8 AI प्रोसेसर 4K। देखिए, अब सारे टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स, टैबलेट्स, सब लोग एक मैजिक वर्ड पे डिपेंड कर रहे हैं। वो मैजिक वर्ड क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये गिमिकी है, क्योंकि AI के द्वारा बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती हैं। जैसे दोनों ही टीवीज में आपको AI के द्वारा डेप्थ एनहेंसमेंट मिलेगा, विच इज गुड। कलर रिप्रोडक्शन AI के द्वारा बेटर हो जाएगा। जो स्किन टोन्स है और फेशियल डिटेक्शन है वो AI के द्वारा बेटर हो जाएगा। सो दोनों ही टीवीज आपके जो पिछले वाले प्रोसेसर्स थे, जैसे QNED 90T में आई थिंक A5 प्रोसेसर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द Q90 2021 वाला मॉडल। और अगर आप इसकी QNED 88T भी ले ले, जो एक मिनी LED है, उसमें भी ये रीसेंट वाले AI प्रोसेसर्स हैं। सैमसंग का QNX1D में एकदम ब्रांड न्यू NQ4 प्रोसेसर है, और अगर इसकी जो न्यूरल प्रोसेसिंग पावर है उसे अगर Q70D जो 2024 वाला मॉडल है उससे कंपेयर करें, तो इट इज डेफिनेटली वे बेटर, ऑलमोस्ट 2.4 या 3 टाइम्स बेटर देन Q70D की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे AI की जो परफॉर्मेंस है इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर इन दीज टीवीज कंपेयर टू द अदर QLEDs फ्रॉम LG एंड सैमसंग। QLEDs बोल रहा हूँ, न्यू QLEDs नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज नोट। रैम के मामले में 2.5 GB है, LG QNED 90T में 2 GB है। स्टोरेज सिर्फ 8 GB है, बट फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन देखिए, ये जो टीवीज है ना, दे कम विद वेरी लाइट TV OS।
सैमसंग में आपका टिजन टीवी ओएस है जो बहुत लाइट है, एलजी में आपका एलजी की वेब ओएस है, अगेन वेरी लाइट टेलीविजन ओएसएस, इट इज नॉट लाइक गूगल टीवी ओएस। तो 2.5 जीबी का जो रैम है ना, इट इज ओवरकिल, एंड 8 जीबी इज ऑल्सो सफिशियंट। सारे वो एप्स मिलेंगे जो आपको चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लाइव, जियो, एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक, ये सारे एप्स आपको मिलेंगे दोनों ही टीवीज में। स्मार्ट होम की कनेक्टिविटी भी हो सकती है दोनों ही टेलीविजन्स के द्वारा, एयरप्ले का सपोर्ट है दोनों ही टेलीविजन्स में, तो आप अपने कोई भी मैक डिवाइसेस, यानी आपका लैपटॉप हो गया या फिर आपके डेस्कटॉप हो गए, वो आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं विद दीज टीवीज, और आप अपने सारे घर के जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको दोनों ही टीवी से एक्चुअली में यूज कर सकते हैं। दोनों ही टीवीज में आपको स्मार्ट असिस्टेंट का भी फंक्शन मिलेगा, तो रिमोट में एक बटन होगा, इनफैक्ट सैमसंग में तो तीन तीन असिस्टेंट का ऑप्शन है, बिग्सबी, अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट, एलजी में भी उनकी खुद की असिस्टेंट है, एंड बोथ टीवीज कैन कंट्रोल ऑल द स्मार्ट डिवाइसेस इन योर हाउस। लेट्स मूव ओवर टू साउंड। अब साउंड के मामले में यहां पे भी बराबरी की टक्कर है, क्योंकि 40 वॉट्स के जो स्पीकर्स है, दे आर 2.2 चैनल, यानी 10x10 20 वॉट्स के स्पीकर्स है, और एक 20 वॉट का सबवूफर है दोनों ही टीवीज में, तो साउंड की परफॉर्मेंस कंपेयर टू द अदर टीवीज जो इनके नीचे आता है सेगमेंट में, जैसे Q60D, Q70D या फ्रेम में तो 40 वॉट्स का है, तो फ्रेम इज ऑलमोस्ट एज गुड एज Q1X1D, पर LG की अगर मैं ले लूं, LG की Qnet 75, Qnet 80, 83, 82T और 88T, उससे बेहतर साउंड आपको Qnet 90T में मिलेगा। तो साउंड के मामले में यहां पे एकदम बराबरी की टक्कर है अगेन। एंड लेट्स गेट ओवर टू डिस्प्ले, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी। अब देखिए, इसकी पहले वाली जो Qnet 90 थी, जो पुरानी वाली Qnet 90 है, वो वाली Qnet 90 में IPS पैनल आता था, पर अब आपको ये पॉइंट नोट करना है, इंडिया में सबसे पहले तो सिर्फ 65 इंच अभी अवेलेबल है। अगर आप बाहर देशों में चले जाएंगे, 65, 75 एंड 86 इंच अवेलेबल है, पर यहां पे चाहे आप क्रोमा में चले जाए, रिलायंस डिजिटल में चले जाए, या LG की खुद की वेबसाइट पे ही देख लें, सिर्फ 65 इंच अवेलेबल है। और प्राइसिंग के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, कहां पे आपको सबसे बेस्ट डील्स मिल सकते हैं, बट द पॉइंट टू नोट इज Qnet 90T इन 65 इंच इज अ VA पैनल। सैमसंग का भी Q1X1D में VA पैनल है, एंड बोथ आर 10-bit पैनल्स। ब्राइटनेस के मामले में LG Qnet 90T इज स्लाइटली बेटर, क्योंकि इसमें 640 निट्स की ब्राइटनेस आती है, एंड इट कैन गो अप टू 1100-1200 निट्स की पीक, तो पीक ब्राइटनेस भी इसकी बेटर है, टिपिकल या सस्टेन ब्राइटनेस भी इसकी बेटर है। सैमसंग कैन गो अप टू ओवर 900 निट्स इन पीक, बट सस्टेन या टिपिकल ब्राइटनेस 550 निट्स की है। नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो दोनों में तगड़ा मिलेगा, 5125:1 का इन सैमसंग, 6,242:1 इन LG, बिकॉज बोथ आर VA पैनल्स, कॉन्ट्रास्ट विल बी गुड, पर जब आप लोकल डिमिंग को हाई सेटिंग्स पे रखेंगे, एंड व्हेन लोकल डिमिंग किक्स इन, सैमसंग की Q1X1D में आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा थ्रू लोकल डिमिंग, विच इज 132,998, यानी ऑलमोस्ट 130 इज टू 1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, और यहाँ पे 114:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है अप्रॉक्सिमेटली। दोनों ही टीवीज आर 4K 120 हर्ट्ज पैनल्स, तो गेमिंग के लिए भी बहुत तगड़ा है, दोनों ही टीवीज में ये ऑप्शन है। डॉल्बी विजन IQ, अब देखिए, नन ऑफ द सैमसंग टीवीज विल हैव डॉल्बी विजन, बिकॉज सैमसंग इज द पायनियर ऑफ HDR10+। तो चाहे आप उसके टॉप ऑफ द लाइन OLEDs में भी चले जाएंगे, आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा। दैट इज अ बमर, आई एग्री, पर इट इज व्हाट इट इज। LG की Qnet 90T में आपको डॉल्बी विजन IQ मिलेगा, तो दैट इज एन एडवांटेज दैट LG हैज। अब HDR10+ जबकि आपको Samsung Q1X1D में मिलेगा, और वो Qnet 90T में नहीं मिलेगा, बट HDR10 का सपोर्ट मिलेगा आपको Qnet 90T में। लोकल डिमिंग दोनों में है, 120 ज़ोन्स है इन Q1X1D, और Qnet 90T में आपको 160 ज़ोन्स मिलेंगे। तो ज़ोन्स के मामले में Qnet 90T इज कंपैरेटिवली बेटर, ब्राइटनेस के मामले में Qnet 90T इज कंपैरेटिवली बेटर, and therefore HDR performance of Qnet 90T is going to be better, or please note isme Dolby Vision IQ bhi hai, par bright hone ke karan isme ek cheez thoda sa zyada ho sakta hai, which is blooming can be slightly more than Samsung ki Qnet X1D, because of that higher contrast ratio in local dimming
आपका ब्लूमिंग इसमें स्लाइटली और बेटर रहेगा देन क्यूनेट 90T. तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों में मिलेगा. फ्रीसिंग प्रीमियम प्रो का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है. रिस्पॉन्स टाइम भी आपका दोनों में वैसे तगड़ा है, बट सैमसंग का रिस्पॉन्स टाइम इज बेटर और इनपुट लैक स्लाइटली क्यूनेट 90T का बेटर है. गेमिंग में मेरे हिसाब से रिस्पॉन्स टाइम मैं और ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा एंड यहाँ पे 10.4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है इन द 100% विंडो विच इज फैंटास्टिक. नाउ लेट मी फाइनली गेट टू द प्राइस एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू माई चॉइस एज टू वाई आई वुड पिक वन ओवर द अदर, प्राइस बींग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सबसे पहले तो अगर आपको 55 इंच चाहिए क्यूनेट 90T, सॉरी यहाँ पे बस एक मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट कर देता हूं यहाँ पे फटाफट. क्यूनेट 90T में आपको 55 इंच मिलेगा भी नहीं, आपको सिर्फ सैमसंग में ही मिलेगा. तो अगर आपको 55 इंच चाहिए द चॉइस इन टूडेज वीडियो इज ऑब्वियस QNX1D. अगर आप 65 इंच की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए 1,39,990 की प्राइस पे आपको मिल सकता है सैमसंग की QNX1D. यू कैन गो इन टू सैमसंग्स वेबसाइट या फिर आप कोई भी सैमसंग के लोकल डीलर को कॉन्टैक्ट कीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस प्राइस. अब अगर हम क्यूनेट 90T को ले लें, ऑनलाइन Amazon और Flipkart पे तो अवेलेबल नहीं है नंबर वन. LG के खुद के वेबसाइट पे वो बस आपको पॉइंट कर देंगे वेयर टू बाई. तो रहा बात कहाँ पे खरीद सकते हैं इसको, आप इसे क्रोमा में ले सकते हैं, आप इसे रिलायंस डिजिटल में ले सकते हैं. अगर आप इसको क्रोमा में लेना चाहेंगे प्राइस विल बी क्लोज टू 1,79,000 something or 74,000. लेट मी शो यू एज वेल, इट्स अराउंड 1,75,990. अगर आपको यही टीवी लेना है द बेटर चॉइस अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है you can actually buy it from Reliance Digital because price is comparatively better. But I'll give you one more option. Please contact your LG का जो local dealer है क्योंकि उनके पास इससे बेहतर प्राइस मिलेगा. मेरे हिसाब से ये आपको 1,45,000 में भी मिल सकता है at your LG local dealer. Which brings me back to the pricing year. 1,40,000 है Samsung का QNX1D. यहाँ पे frame मारा हुआ है ये भी गलती है, QNX1D होना चाहिए. ओके तो 1,40,000 में मिल सकता है QNX1D और QNET 90T जो है वो 1,45,000 पे मिल सकता है. अब देखिए मेरे हिसाब से द कॉन्ट्रास्ट की परफॉर्मेंस जो है एंड ब्लूमिंग का जो इशू है वो आपको शायद QNET 90T में थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा दिख सकता है. QNX1D की कॉन्ट्रास्ट की परफॉर्मेंस इज कंपेरेटिवली बेटर, ब्लूमिंग इज मिनिमल. पर यर इज वेयर सैमसंग मिसेस आउट, डोल्बी विजन इसमें अवेलेबल नहीं है. रेस्पॉन्स टाइम इसका बेटर है, मेरे हिसाब से गेमिंग परफॉर्मेंस भी QNX1D का बेटर होगा. तो लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आप गेमिंग करते हैं द चॉइस इज गोना बी वेरी क्लियर, गो फॉर QNX1D. पर अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं विद कॉन्टेंट व्यूइंग इन माइंड और अगर आपको वो बैज चाहिए ऑफ डोल्बी विजन IQ और आप कंटेंट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, गो फॉर द QNET 90T क्योंकि इसमें Dolby Vision IQ भी है. इसका HDR performance is going to be slightly better because of that higher brightness और Dolby Vision IQ का होना. तो if you want content viewing के लिए go with QNET 90T. 5,000 या 7,000 रुपए का difference होगा ultimately जब आप local dealers के पास जाएंगे. अगर आपको 5,000 या 7,000 बचाने हैं then the QNX1D is an equally good TV. इसमें सिर्फ Dolby Vision नहीं मिलेगा but HDR 10 plus है. गेमिंग के लिए दिस इज गोइंग टू बी बेटर. डोंट गो बाय इसमें डिमिंग जोन ज्यादा है, इसमें डिमिंग जोन कम है. डोंट बिकॉज इवन दो इसमें डिमिंग जोन कम है, इसका डिमिंग जोन के द्वारा कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज स्टिल कंपैरेटिवली बेटर देन QNET 90T. और कोई कोई सोनी टीवीज में तो 100 डिमिंग जोन भी नहीं होते हैं, जैसे X90L में आई थिंक 100 डिमिंग जोन भी नहीं थे, पर उसका परफॉर्मेंस वो स्टिल बेटर कंपेयर टू कोई कोई टीवीज जो एडवर्टाइज करते हैं 500 डिमिंग जोन. यू गेट द पिक्चर राइट. It is not just a hardware but software का भी एक algorithm होता है and I think based on that QNX1D की local dimming performance will be comparatively better than QNET 90T. But the choice is up to you. दोनों ही तगड़े options हैं. अगर आप मुझे पूछते मैं इन दोनों TVs में से कौन सी लेता, I would have probably gone along with Samsung क्योंकि I'm more into gaming और मुझे मालूम है कि Samsung की gaming performance तगड़ी होने वाली है than QNET 90T. So I would have purchased Samsung QNX1D. पर इसका ये मतलब नहीं है दैट आई एम नॉट रेकमेंडिंग QNET 90T. बोथ इक्वली गुड. अगेन कंटेंट व्यूइंग अगर आप करते हैं गो विद द QNET 90T बिकॉज यू विल टेक एडवांटेज ऑफ द Dolby Vision IQ एंड द हायर ब्राइटनेस एंड द HDR परफॉर्मेंस देयर. तो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू टीवीज.
अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया या फिर अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आप मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दो वे में। फर्स्ट इज बाय स्मैशिंग दैट लाइक बटन, और साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जिन्हें एक टीवी चाहिए, उनका भी फायदा होगा, मेरा फायदा ये होगा कि YouTube एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज वेल। दूसरे वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये वीडियोस मैं बनाता हूं आपके फायदे के लिए। इस वीडियो में तो मेरा जनरली कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मेरा फायदा कैसा हो सकता है मोनिटरीली? जब आप एक टीवी मेरे Amazon लिंक से खरीदेंगे तब मुझे फायदा होता है, तो जाहिर सी बात है ये टीवीज तो Amazon पे अवेलेबल है ही नहीं। तो सबसे पहले प्लीज नोट दैट दिस और दीज वीडियोस आर फॉर योर फायदा नंबर वन। पर हाँ, अगर आपको ये दो टीवीज नहीं, कोई दूसरे टीवीज लेने हैं, आपका बजट कम है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कुछ ऐसे टीवीज डालूंगा जो मैं रेकमेंड करता हूँ, और अगर आप उन टीवीज के लिंक को क्लिक करके कोई भी टीवी खरीदें, चाहे वो LG हो, सोनी हो, सैमसंग हो, हाइसेंस हो, TCL हो, व्यू हो, कोई ब्रांड एफिलिएशन मेरी है नहीं, मुझे कोई भी पैसे नहीं देता है कुछ भी बोलने के लिए, और आप कोई भी अगर टीवी खरीदेंगे मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, तो उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, थैंक यू सो मच। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।